ऑयल मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी बस मैं नहाऊंगी, कपड़े चेंज करते अपने कपड़े निकालती हूँ। और अभी मैंने नहा लिया, नहा के काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे। आज तो नहीं क्यों ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई, कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ। और अभी मैं उठी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मैंने इस्तखारा किया है और देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी होगा। कल सारे दिन ब्लॉग नहीं बना पाई, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए बनाई है ये दाल की चूरी, अपने हाथों से खुद बनाई है, बहुत मज़े की बनी है। और अभी हम लोग बनाने लगे हैं गुलाब जामुन। फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाऊंगी और आज की रेसिपी भी हम शेयर करती हूँ। अब बस चल से चलते हैं किचन में। और गुलाब जामुन के जो हम लोग बनाते हैं वो लड्डू के लिए, हमें मैंने लिया है ये 1 कप ड्राई मिल्क, 4 स्पून जो है या फिर 3 स्पून जो है मैंने आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो घर में होता है। मैंने ब्राउन लिया, आप लोग कोई सभी व्हाइट चाहे तो व्हाइट भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए 2 अंडे, 1 चम्मच हम लोग लेंगे बेकिंग पाउडर, और हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। मतलब हमें 1 कप से भी कम, मतलब थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच, अगर मतलब जितना जरूरत के मुताबिक हम उसको अपना डालेंगे। तो ये सब कुछ मिक्स करने के बाद आपको समझिए कि मैंने शॉर्ट भी बनाना है टिकटॉक का, इसलिए मैं मिक्स कर लूँगी। शॉर्ट भी आपको बता दिखा दूंगी आप लोगों को। और अभी जो है मैंने इसमें अंडा, बेसन, सॉरी अंडा, दूध और क्या कहते हैं इसको, हमारा मिल्क और बेकिंग पाउडर जो है मिक्स कर दिया। अभी देखो मुझे लगा इसमें थोड़ी सी और भीड़ होगी, मुझे एक और अंडा डालना पड़ेगा इसके अंदर, और जो है हमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा और। हाथों में मैंने ऑयल थोड़ा सा लगाया है क्योंकि इसके काफ़ी चिपक रहा था, और हमारा इसका जो डो है वो रेडी हो चुका है। बहुत बहुत मेहनत थी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, और देखते हैं ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी ये कैसा होता है। मुझे इसको 100% आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छा बना सकूँ। और आप लोग भी दुआ करना कि आप लोग क्या दुआ करोगे, आप लोग को देखने के बाद जब बन जाएगा फिर आप देखोगे लास्ट। लेट्स सी आज मैं कौन सा जो है करना मैं अंजाम देती हूँ। और अभी जाके मैं इसको थोड़ा रखूंगी फ्रिज में ताकि थोड़ा सा जो है ठंडा हो जाए। और तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी हम लोग बनाने लगे हैं शीरा, मैं बनाने लगी हूँ शीरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ। लाइटर नहीं मिला, लाइटर नहीं, आज की डेट में लाइटर, मैंने आज काम करना है ना, आज मैं किचन में आई हूँ, आज कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं गायब हो जाऊँ, लेकिन लाइटर। सो गाइस मेरे लड्डू जल गए, लड्डू बर्बाद हो गए, इतनी मेहनत करने के ये लड्डू बनाने का और आपको ये रेसिपी दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी किस्मत, ठीक है, किसी चीज में भी हाथ डालना खराब हो जाती है। बस कुछ नहीं, जजाक अल्लाह। सो गाइस अभी जो है मैं डॉक्टर बन चुकी हूं, देख सकती हूं आपको अपनी हार्ट की। क्या मतलब हमारी नहीं है, हम लोग जब भी करते हैं आवाज़ नहीं आती। So वीडियो कंटिन्यू कर रही थी कि मेरा जो है लाइट मैनेजमेंट करना पड़ गया मेरे मोबाइल का, कि उसका फुल हो गया था स्टोरेज गाइस। और अभी हमने खाया है बहुत मज़ेदार सा फराह खान का स्पेशल यखनी पुलाव, बहुत 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 मज़े का था। वैसे भी कब से दिल कर रहा था और आज घर में बना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सीरियसली बहुत मज़े का था, बहुत। और अभी फजर का टाइम है, मैं उठी हूँ, पढ़ने लगी हूँ फजर की नमाज। आज ना व्लॉग कम्प्लीट ना, कितना भी कोशिश करें ना व्लॉग कम्प्लीट हो ही नहीं रहा। व्लॉग कहता है तो मैं जो भी करना कर लूँ मैं कम्प्लीट नहीं होगा, खैर आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अभी हम लोग होके वापस आ चुके हैं, इसका ब्लॉग जो आप लोग कल दिखाऊंगी। अच्छा अभी आप लोगों से कुछ चीज़ें जो है लाजिम थी वो आपसे शेयर करनी थी, और आप लोग का थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको मशवरा भी लेना था। अच्छा जिस सैलून में मैं काम कर रही थी वहाँ पर ये हुआ कि जब मैं गई उन्होंने 10 दिन बोला कि ना आप जो है मतलब ट्रायल पर हैं। मैं ऐसा ठीक है, उन्होंने कहा कि ना अगले फर्स्ट से आपकी जो सैलरी स्टार्ट कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, जब मैंने 10 दिन ट्रायल पर रखा, मुझे बुखार था जैसे भी था, मैं चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब यहाँ पर आई हूँ, इतना दूर आई हूँ, इतना मतलब इतने पैसे खर्च करके आई हूँ, तो मतलब मेरा ज़ाया नहीं होना चाहिए, चलो जिस तरीके से भी हो रहा है चलो लग गया ये, इसी को अल्हम्दुलिल्लाह करके इसको कंटिन्यू करते हैं। जब मैं फर्स्ट सेकंड को गई, जब फिंगरप्रिंट स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने थर्ड डे बोला कि आप नहीं आइएगा, कि कस्टमर्स नहीं हैं। और मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं कुछ सही नहीं थी, और मैं उस टाइम अगर मैं शेयर करती तो मैं रो जाती, और मैं तकरीबन अभी कितने दिन, 3 दिन मुसलसल मैं रोती रही हूँ, और 7 तारीख है नहीं मतलब 5 दिन मैं मुसलसल रोती रही हूँ
और मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ मुझे पता है, ठीक है। मैंने लेकिन मैंने कोशिश ये की कि आप लोगों को मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले और आप लोग फ्रेश, आप लोग जब भी मेरा व्लॉग देखो आप लोगों को फ्रेश ही कुछ देखने को मिले। तो उन्होंने ऐसा किया, फिर मतलब मैंने यहाँ पे मतलब जब हम जिस दिन में आए थे उस दिन आप लोगों ने कितने सलून्स में गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी जो है मेरा मुझे एक जॉब के लिए एक मतलब मुझे बुला रहे हैं मदीना में। ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं है वो ना स्कोप, इसका ज़्यादा इसका जो स्कोप है वो है अदर जिद्दा में और रियाद में। तो मुझे जिद्दा के जिद्दा से एक सलून है, उन्होंने मुझे बुलाया है कि आप यहाँ पर आके इंटरव्यू दें। लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे। मैं उनको समझाया कि मैं दुबई भी तो अकेले जा रही थी और मैं यहाँ से इतना दूर आई हूँ, पैसे इतना खर्च करके मेरे सब पैसे वेस्ट हो जाने। मतलब शाहरुख के सारे दिन कॉल आती है, अम्मी दिलबर सब यही कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ वापस आ जाओ। मतलब मैं पीछे से भी बहुत मतलब प्रेशराइज एक किस्म का किया जाता है कि आप वापस आ जाओ। मतलब मुझे पीछे से भी ये नहीं कि चलो तो ठीक है तुम काम कर लो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ वापस आ जाओ और हम सब देख लेंगे हम सब कर लेंगे। अब मैं अगर मेरा जो ये प्रॉब्लम है, अगर पीछे जाती हूँ, मैंने जो भी ये 2 लाख लेकर आई थी मैंने ये देने, आगे पिछले जो लोगों के कितने मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स है मेरे लिए, तो मुझे वो सब मुझे करना पड़ेगा सॉर्ट। लेकिन अब मैं ना थक गई, मतलब एक फैमिली पे सपोर्ट होता ना कि आप करो, और मैं यहाँ पर मतलब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जब मैं सनाबाज से बात हुई, सनाबाज ने बोला कि मतलब क्या नाम जो तुम्हें मतलब बेहतर लगे, और फिर मैं तब मतलब सब से बात करके ही एक ही निकला है नतीजा कि पाकिस्तान जो है वापस चली जाऊँ। लेकिन अभी एक क्लास चल रही है एक लड़की की, जब से मैं आई हूँ वैसे कहीं काम कर रही हूँ, क्लास ही चल रही है लड़की की, तो उससे कंटिन्यू कर रही हूँ। वो मुझे कह रही थी कि तुम इतना अगर आ गई हो तो इतना अपने साथ मत करो कि तुम इतना दूर आके इतना आगे आके अभी तुम वापस जा रही हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम जिद्दा चले जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं, घर वाले मुझे इतना बोल रहे हैं, अम्मी बोल रही नहीं जाओगी यहाँ पे हालात ख़राब है। मैंने इनको बस ये बोला कि मैं जब दुबई जा रही तब वहाँ पर के हालात ख़राब नहीं थे, दुबई तो बहुत ज़्यादा प्रो है ना यहाँ इन मतलब यहाँ से जिद्दा से रियाद से। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, सबको बस ये है कि तुम वापस आ जाओ, तुमने अपने बच्चे को छोड़ा। मैंने अपने बच्चे को छोड़ा ताकि कुछ अच्छा करने के लिए, अब मैं वापस जाऊँगी तो और मसले बढ़ेंगे। लेकिन जब कोई किसी को समझ नहीं आ रहा, जब कोई चीज़ को समझ नहीं रहा, और मेरे लिए मैं यकीन करें मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत रोई। आज मेरी किसी से बात हो, उसने बोला बस आप अपने लिए अच्छा सोचो कि सही है, अच्छा हर चीज़ पॉजिटिव सोचो। मैं डिप्रेशन में जाके मेरे इतना ज़्यादा मैं अजीब हो गई थी। अब मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया ना उसका, जब देखे मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द था और मैंने भी ऑयल लगा। अब देखे मैं नहीं कुछ कर पा रही थी, आज मैं थोड़ी सी फ्रेश थी, स्टिल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। तो खैर ये सब चीज़ें थी, मैंने सोचा मैं आज शेयर कर देती हूँ। मैं तब शेयर करती हूँ जब मेरा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है, मैं एक चीज़ का कर लेती हूँ इरादा, ताकि आप लोग ये ना समझे कि संपत्ति गेन कर रही है या फिर कुछ कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने शुरू भी जब पहले भी बात बताई थी तब भी मैंने जब सब सॉर्ट कर लेता अभी चीज़ें। अब अभी फिर भी आप लोग कमेंट्स करना और बताना, क्या पता आप लोग कमेंट्स में कुछ मुझे आए समझ और जो मुझे बेहतर लगेगा फिर मैं करूँगी। बाकी मिलूँ कल आप लोगों को एक नए और एक अच्छे वालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। आमीन।